आखिरी सेगमेंट है, इसलिए एक सवाल हम ले रहे हैं मेल के जरिए। अंजू गुप्ता जी ने सवाल भेजा है दिल्ली से। उन्होंने लिखा है कि एक प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाह रही हैं। करीब 16 लाख की प्रॉपर्टी थी और 26 लाख में बिकी है। यहां पर कंसर्न इनका होम लोन लेकर भी है। बलवंत साहब, जैसा इन्होंने बताया है जो रकम इन्हें मिली है, एक तो आपसे जानना चाहते हैं कैपिटल गेन्स किस तरह से कैलकुलेट होगा, जो शो की शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया, और जो दूसरा पहलू वो ये कि इस रकम से अगर ये अपना होम लोन, एग्जिस्टिंग होम लोन चुकाती है, क्या तब इनको किसी तरह की छूट मिल सकती है? नहीं, देखिए पल्लवी, ऐसा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जो अंजू जी को जो फ्लैट बेचने पर जो पैसा मिला है वो लोन रीपेमेंट, होम लोन रीपेमेंट करना चाहती है और जानना चाहती है कि उससे उनको कैपिटल गेन टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कैपिटल गेन टैक्स में एग्जम्पशन आपको या तो घर में इन्वेस्ट करो या बॉन्ड में इन्वेस्ट करो तो ही मिलेगा। और घर में भी अगर घर बेच के आप घर में करना है तो आपको कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना पड़ता है, और दूसरी कोई एसेट आप बेचेंगे तो आपको जितना सेल कंसीडरेशन है वो करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन आपका जो बॉन्ड्स हैं 54EC के, उसमें है जो 6 महीने के भीतर भीतर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा आप कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते मतलब एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए। परंतु अगर आप चाहे तो होम लोन रीपेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा जो 20% के हिसाब से। परंतु जैसे जो इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ कैपिटल गेन का ही करना है तो आप कैपिटल गेन जितना पैसा बॉन्ड में डाल दीजिए और बाकी का पैसा है उसे आप होम लोन का रीपेमेंट कर सकती है। चलिए अंजू, आपको एक बीच की राह दिखा दी हमारे एक्सपर्ट है। आप पार्शली जो भी आपको रकम मिली है बिक्री के बाद उसका कुछ हिस्सा आप होम लोन के रीपेमेंट में यूज कर सकती है, और साथ ही जो रिमेनिंग हिस्सा है वो सेक्शन 54 के तहत आप उस पर टैक्स भी ले पाएंगे। साथ ही कुछ बॉन्ड्स भी बताए थे हमारे एक्सपर्ट ने, वो भी आप कर सकती हैं, लेकिन उसमें ध्यान रहे कि 6 महीने के अंदर ही वो राशि आपको जमा करनी होगी। फिलहाल इतने ही सवाल आज शामिल कर पाएंगे। रोहन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। आज हमने चर्चा की लोन्स पर, टैक्स के भी सवालों को हमने शामिल किया, लेकिन कल जब हम लौटेंगे तो हम लेकर आएंगे इंश्योरेंस, स्पेशल इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों को आप पूछ सकते हैं। साथ ही थर्सडे का दिन रहेगा प्रॉपर्टी के नाम, और फ्राइडे को हमारी खास पेशकश वुमेन स्पेशल देखना ना भूलें। आपको भी कोई सवाल भेजना है तो हमारा ई मेल आईडी नोट करें, mygoo@zmedia.com, या फिर आप टैक्स से जुड़ा कोई सवाल एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो टैक्स लिखकर भेज सकते हैं उसे 57575 पर। फिलहाल मनीगुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।